हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज मैं लेके आऊँ मिक्स स्टेशनरी कलेक्शन का वीडियो लेके गाइस। इस बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेशनरी आइटम गाइस, बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना। फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको आज का कलेक्शन कैसा लगा गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कर रखा तो थैंक यू सो मच फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट इस बॉक्स को खाली करते, देखते इस बॉक्स में हमें किस तरह के स्टेशनरी आइटम मिलते हैं और क्या क्या चीजें मिलती है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिलता है। ये तो है एक मोबाइल फोन दोस्तों, ये देख सकते हो, और वाह देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है मोबाइल फोन। और दोस्तों ये मोबाइल फोन नहीं है, ये है एक मोबाइल फोन वाला इरेजर। ये देख सकते हो काफी अच्छा इरेजर है, मोबाइल फोन वाला इरेजर है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल का मोबाइल फोन है। बट दोस्तों ये इरेजर है, तो आपको ये मोबाइल फोन वाला इरेजर कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक रंग बिरंगा सब बल्ब दोस्तों, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त। यहाँ एक बटन मिलता है, इस बटन को ऑन करते ये देख सकते हो इसमें से काफी कलरफुल लाइट जल रही है, और लाइट जब भी ब्लिंक हो रही है तो अलग कलर आ रहा है दोस्तों इस बल्ब के अंदर से देख सकते हो। और दोस्तों ये बल्ब वाला है एक पैन, वो कैसे चलो दिखाता हूँ। तो इसका ढक्कन ओपन किया तो ये देख सकते हो इसकी टिप काफी पतली है, चला के इस पैन को तो देख सकते हो काफी अच्छा पैन चल रहा है, काफी जबरदस्त पैन है, कलरफुल पैन है। सबसे अच्छा तो दोस्तों मुझे इसका बल्ब लगा, और इसका बल्ब जलने के बाद देख सकते हो कितना गुड लुकिंग लग रहा है, और जब मैं लिख रहा हूं इस पेन से तो देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है मेरे हाथों में दोस्तों। तो चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है एक काफी सुंदर सा और काफी अच्छी चीज, और ये है एक फेवी स्टिक दोस्तों। इसके कैप में दोस्तों हमें मिलता है एक बियर, ये देख सकते हो बियर वाला कैप मिल जाता है, और ये है ग्लू स्टिक देख सकते हो, काफी अच्छा ग्लू स्टिक है, क्वालिटी देख सकते हो कितनी जबरदस्त है इस ग्लू स्टिक की। तो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें क्या मिली, आइसक्रीम, और ये है आइसक्रीम वाली इरेजर, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल की आइसक्रीम है, बट ये है इरेजर देख सकते हो। और जो इसकी स्टिक है ना, ये भी इरेजर, ऐसा लग रहा है ये स्टिक रियल की स्टिक है बट ये इरेजर है, आइसक्रीम वाली इरेजर। आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है एक बीटीएस डायरी वाला पैन, ये देख सकते हो इसमें हमें बीटीएस की छोटी सी डायरी मिल जाती है, और ये है पेन देख सकते हो काफी जबरदस्त है, इसकी टिप भी काफी पतली है, चलाते तो पेन देख सकते हो काफी अच्छा चल रहा है, काफी जबरदस्त चल रहा है। और डायरी पे दोस्तों हम अपना कुछ भी रफ वर्क कर सकते हैं, काफी अमेजिंग डायरी है, काफी जबरदस्त है। इसके कैप में दोस्तों हमें डायरी भी मिल जाती है। तो आपको बीटीएस डायरी वाला पेन कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बीटीएस आर्मी कौन कौन है प्लीज दोस्तों ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बीटीएस आर्मी है तो कर देना वीडियो को लाइक। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, एक काफी बड़ा रेनबो दोस्तों, और ये रेनबो नहीं है, ये है एक इरेजर देख सकते हो, रेनबो वाला इरेजर है, कितना बड़ा इरेजर है, और इतना बड़ा इरेजर दोस्तों मैंने आज तक नहीं देखा था दोस्तों। देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, काफी अमेजिंग लग रहा है, रेनबो लुक में इरेजर मिल गया इस बॉक्स के अंदर। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों ये क्या है, ये देखो दोस्तों एक एलओएल की डायरी है, नोट पैड है। तो चलो देखते हैं, तो ये देख सकते हो एलओएल की डायरी, और इसमें काफी सारे पेजेस मिल जाते हैं, पेजेस की क्वालिटी काफी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है ये डायरी 180 रोटेट भी हो जाती है। देख सकते हो एलओएल की डायरी है, काफी सुंदर सी, काफी प्यारी सी। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक वॉच, और ये तो है दोस्तों 3-in-1 सेट, इसमें ब्रश भी मिलेगा, हमें इरेजर भी मिलेगा और शार्पनर भी मिलेगा। चलो निकालते पैकेट से, तो ये देख सकते हो वॉच, और वॉच के दोस्तों ऊपर वाले ढक्कन को ओपन करते तो ऊपर दोस्तों हमें इरेजर मिलती है, दूसरे ढक्कन को ओपन करते तो यहाँ दोस्तों हमें ब्रश मिलता है, बीच में दोस्तों हमें शार्पनर मिल जाता है, ऊपर देख सकते हो वॉच है, यहाँ दोस्तों हमें होल मिल जाता है, इसमें पेंसिल डालेंगे फिर पेंसिल को शार्प करेंगे, और अंदर के शार्पनर भी दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो अंदर का शार्पनर कितना जबरदस्त है दोस्तों, काफी अच्छा सेट है, 3-in-1 सेट है दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों ये क्या है, ये तो है एक यूनिकॉर्न का पेन, और इस पेन में तो दोस्तों सीक्वेंस भरे हुए काफी सारे जो काफी अट्रैक्टिव बना
चला रहा है पैन को। चलो इसका ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कैसी टिप है और कैसा चलता है ये पैन। तो ढक्कन ओपन किया तो इसकी टिप देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त टिप है यार, ये काफी जबरदस्त है, चलाते हैं। तो ये पैन थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा क्योंकि दोस्तों मेरे हाथ में थोड़ा ऑयल लगा है, इस चक्कर में पैन नहीं चल रहा। बाकी काफी अच्छा पैन है, काफी प्यारा पैन है, यूनिकॉर्न का पैन है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है थार कार, और ये कार नहीं है दोस्तों, ये थार लुक में शार्पनर। ये देख सकते हैं दो दो शार्पनर मिलते हैं, दो होल है यानी दो शार्पनर मिलते हैं। चलो शार्पनर की क्वालिटी देखते हैं, तो देख सकते हो ब्लेड एक छोटा ब्लेड मिलता है, एक काफी बड़ा ब्लेड मिल जाता है, काफी सुंदर शार्पनर सेट है थार वाला दोस्तों। और थार कार किसे किसे पसंद है दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच, ये देख सकते हो काफी मोटा पेंसिल पाउच है। और यहाँ देख सकते हो दोस्तों हम एक लॉक मिलता है, इस लॉक को खोले बिना दोस्तों इस पेंसिल पाउच की जिप ओपन नहीं होगी दोस्तों। तो लॉक कैसे ओपन होगा, तो लॉक को पहले 00 सेट कर देंगे जो मैंने पहले से सेट कर रखा था, इस वाले बटन को थोड़ा सा स्लाइड करेंगे फिर ऑटोमेटिक दोस्तों इसकी जिप ओपन हो जाएगी दोस्तों, यानी लॉक से बाहर आ जाएगी। अब इसे ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है इस पेंसिल पाउच में और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो देख सकते हो अंदर का इंटरफेस कितना जबरदस्त है, यहाँ देख सकते हो हमें नेट वाला एक पॉकेट मिल जाता है, काफी अच्छा स्पेस है और जिप भी देख सकते हो काफी स्मूथली ओपन भी हो रही है। और सेकंड कंपार्टमेंट में आप देख सकते हो हमें 1 2 3 4 लॉक मिल जाते हैं जिसमें गाइस हम पेन पेंसिल को लॉक करके अच्छे से रख सकते हैं। इस वाले कंपार्टमेंट को हटाते हैं तो नीचे काफी गहरा कंपार्टमेंट मिलता है, इसकी गहराई देख सकते हो कितनी जबरदस्त है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों इस पेंसिल पाउच में। मुझे तो काफी अच्छी पेंसिल पाउच लगी, सबसे अच्छा तो दोस्तों मुझे इसका लॉक लगा दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, एक एस्ट्रोनॉट, और ये दोस्तों एस्ट्रोनॉट नहीं है, ये है एक एस्ट्रोनॉट वाला पेंसिल शार्पनर। ये देख सकते हो इसका हेलमेट देख सकते हो कितना जबरदस्त है, और यहाँ दोस्तों हम पेंसिल को डालेंगे फिर पेंसिल को इस तरह शार्प करेंगे, सारा कूड़ा जाएगा इसके बैग में। तो बैग देख सकते हो, बैग को खोला तो इसका कंटेनर देखो दोस्तों कितना गहरा कंटेनर, काफी सारा कूड़ा आ जाएगा दोस्तों। एस्ट्रोनॉट वाला पेंसिल शार्पनर आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मुझे तो इसका हेलमेट काफी जबरदस्त लगा। चलो साइड रखते हैं और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का घोड़ा, ये देखो दोस्तों, और ये है पूरा इरेजर, और इतना बड़ा घोड़ा दोस्तों मैंने आज तक यूनिकॉर्न का नहीं देखा था, देख सकते हो। और इसके विंग तो दोस्तों काफी जबरदस्त है यार इस घोड़े के, और ये पूरा है इरेजर, देख सकते हो कितना पिटी लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये इरेजर, मुझे तो काफी प्यारा लग रहा है। सबसे अच्छा तो दोस्तों मुझे इसके पंख लग रहे हैं दोस्तों, और ये पंख भी है इरेजर, ये पूरा इरेजर सेट है दोस्तों। तो आपको यूनिकॉर्न का इरेजर दोस्तों कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में हमें मिलते हैं मरमेड प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स, चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाए। तो ढक्कन ओपन किया तो यहां देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है, यहां देख सकते हो ऊपर वाले सेक्शन में हमें टेबल देखने को मिल जाते हैं, स्पेस काफी अच्छा है, नीचे एक और कंपार्टमेंट मिल जाता है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन ओपन करते देखते कितना स्पेस है, पीछे वाले ढक्कन ओपन किया तो यहां देखो दोस्तों हमें क्या मिला, ये क्या है दोस्तों, तो ये तो है बुक स्टैंड दोस्तों, और वाह यार काफी जबरदस्त, इस पे दोस्तों हम अपनी बुक को रख लेंगे फिर काफी इजीली से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों हमें बुक स्टैंड मिल जाता है इस ज्योमेट्री बॉक्स में। चल साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिली दोस्तों, एक और प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स, और ये तो है ट्रक लुक में दोस्तों ज्योमेट्री बॉक्स, और इस ज्योमेट्री बॉक्स में दोस्तों हमें पीछे एक व्हाइट बोर्ड भी मिल जाता है। चलो ढक्कन ओपन करते देखते कितना स्पेस है ज्योमेट्री बॉक्स में, तो ढक्कन ओपन किया तो देख सकते हो इसमें हमें मिलते हैं स्टेशनरी आइटम, जैसे गाइस इसमें हमें 15 सेंटीमीटर का ट्रांसपेरेंट रूलर मिल जाता है फ्री में, और इसके अंदर मिलती है हमें वुडन पेंसिल, और पेंसिल के पीछे दोस्तों हमें इरेजर देखने को मिल जाती है, काफी लंबी पेंसिल मिलती है, गोल्ड वुडन पेंसिल मिल जाती है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, और ये देख सकते हो हमें ट्रांसपेरेंट एक शार्पनर मिल जाता है, और ये देखो दोस्तों इसमें हमें एक इरेजर मिलता है, मार्कर मिला, मार्कर से दोस्तों हम व्हाइट बोर्ड पे अपना कुछ भी रफ वर्क कर सकते हैं, मार्कर के ऊपर दोस्तों हमें एक डस्टर भी मिल जाता है अलग से, ये देख सकते हो, और यहाँ देख सकते हो ट्रे है, ट्रे पे भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। ट्रे को हटाते हैं तो नीचे एक और कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है ये ट्रक लुक में ज्योमेट्री बॉक्स है, देख सकते हो काफी सुंदर है, पीछे दोस्तों हमें व्हाइट बोर्ड मिल गया, काफी सुंदर से ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में मिलते हैं हमें एक और काफी सुंदर मरमेड प्रिंसेस की पेंसिल पाउच दोस्तों, और इस पेंसिल पाउच के ऊपर दोस्तों हमें ग्लास मिलता है, और इस ग्लास में दोस्तों पानी भरा है,
और देख सकते हो पानी में दोस्तों मरमेड प्रिंसेस तैर रही है और इस पानी के अंदर काफी सारे सीक्वेंस भरे हैं और ये देख सकते हो कितना जबरदस्त लग रहा है पेंसिल पाउच। चलो जिप ओपन करते देखते कितना स्पेस है इस पेंसिल पाउच में और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो ओपन किया तो ये देख सकते हो अंदर का इंटरफेस कितना जबरदस्त है। यहाँ दोस्तों हमें नेट वाला पॉकेट मिल जाता है और यहाँ देख सकते हो दोस्तों हमें इस वाले कंपार्टमेंट में हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाता है। इस कंपार्टमेंट को हटाते हैं तो नीचे एक और कंपार्टमेंट मिल जाता है। काफी अच्छा कंपार्टमेंट है दोस्तों, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। मरमेड प्रिंसेस का पेंसिल पाउच है दोस्तों। तो आपको ये मरमेड प्रिंसेस का पेंसिल पाउच ज्यादा अच्छा लगा या आपको ये यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच ज्यादा अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोनों में से आपको सबसे अच्छा पेंसिल पाउच या पेंसिल बॉक्स कौन सा लगा, प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक वुडन वाली ज्योमेट्री बॉक्स। ये काफी जबरदस्त है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है और इसके ढक्कन में दोस्तों हमें मिलता है रूलर। ये देख सकते हो काफी जबरदस्त रूलर मिल जाता है। टोटल दोस्तों हमें 20 सेंटीमीटर का रूलर मिलता है इसके अंदर, काफी अच्छा है वुडन का दोस्तों रूलर मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात है इस वाले ज्योमेट्री बॉक्स में हमें मिलते हैं कलर पेंसिल, ये देख सकते हो। और कलर पेंसिल भी पूरी वुडन की है और कलर पेंसिल की क्वालिटी देख सकते हो कितनी जबरदस्त है। पूरी वुडन की दोस्तों कलर पेंसिल है और ये देख सकते हो बॉक्स है और ये बॉक्स भी दोस्तों वुडन का है, देख सकते हो काफी जबरदस्त है। इसके अंदर का स्पेस भी काफी अच्छा लगा मुझे, काफी सारे स्टेशनरी आइटम भी आ जाएगा कलर पेंसिल को हटाने के बाद दोस्तों। चल साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है ट्रांसफॉर्मर का एक बॉक्स दोस्तों, ये काफी जबरदस्त बॉक्स है। और इस बॉक्स में हमें मिलते हैं काफी सारे पाउच, वो कैसे, सबसे पहले देख सकते हो इसमें एक हैंडल मिल जाता है जिसे काफी इजी से कैरी करके चल सकते हैं दोस्तों। और इसे मैंने परचेस किया है दोस्तों 300 रुपीज का, तो इसका प्राइस कहीं लिखा था तो शायद प्राइस हट गया है, कोई बात नहीं चलो साइड रखते हैं। चलो इसे ओपन करते देखते इसके अंदर क्या मिलता और कैसा बॉक्स है। तो यहाँ देख सकते हो टेप है, टेप को हटाया तो ये देखो दोस्तों ओपन हो गया। ओपन होने के बाद देख सकते हो कितना बड़ा है और इसके अंदर दोस्तों हमें 1 2 3 4 पाउच मिल जाता है। और यहाँ देख सकते हो दोस्तों एक लॉक मिलता है जिससे दोस्तों हम इसे दीवार पे काफी अच्छे से लटका सकते हैं दोस्तों इस सेट को दोस्तों। और ये देख सकते हो पहले जिप को ओपन करते क्या मिलता है। तो पहले पॉकेट में दोस्तों हमें मिलते हैं सीजर, ये देख सकते हो पेपर कट सीजर मिल जाता है। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर देख सकते हो हमें ग्लू मिल जाते हैं, देख सकते हो। और क्या मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है शार्पनर, ये देख सकते हो। ऑयल पेस्टल कलर को शार्प करने के लिए दोस्तों हमें शार्पनर मिल जाता है। सेकंड पाउच में क्या मिलता है हमें, चलो देखते हैं। सेकंड पाउच में देख सकते हो हमें मिलते हैं ये देख सकते हो ऑयल पेस्टल कलर, और वाह। चलो थर्ड पाउच को ओपन करते देखते क्या मिलता है। तो थर्ड पाउच में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं ट्रांसफॉर्मर के दोस्तों कलर स्केच पेन, ये देख सकते हो कलर स्केच पेन मिलते हैं। टिप देख सकते हो काफी मोटी टिप है, चलाते हैं तो ये देख सकते हो कितने जबरदस्त चल रहे हैं। और फोर्थ पाउच में देखते हैं क्या मिलता है। तो फोर्थ पाउच को भी ओपन करते हैं तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलते हैं कलर पेन, ये देख सकते हो कलर पेन मिलते हैं। इसकी टिप देख सकते हो काफी जबरदस्त है, चल भी काफी जबरदस्त रहा है। ये दोस्तों सेट मुझे काफी जबरदस्त लगा। सबसे अच्छा दोस्तों इसमें हमें चार चार पाउच मिल जाता है जिसमें दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाता है दोस्तों। और ये सारी चीजें इसके साथ फ्री में मिली है, चलो साइड रखते हैं। तो आपको ये ट्रांसफॉर्मर का बॉक्स कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलते हैं काफी सुंदर सी एक ज्योमेट्री बॉक्स, ये ज्योमेट्री बॉक्स भी काफी प्यारी है। यहाँ देख सकते हो ढक्कन, ढक्कन ओपन किया तो इसमें काफी अच्छा स्पेस है। इसमें दोस्तों हम अपना छोटा छोटा स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते ही यहाँ देखो दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 लॉक मिल जाता है। और ये कंपार्टमेंट दोस्तों ज्योमेट्री बॉक्स से बिल्कुल अलग हो जाता है, ये देख सकते हो। इस तरह से इसे अलग करके हटा भी सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ हमें टेप मिल जाती है, नीचे कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच और इस पेंसिल पाउच की जिप देखो दोस्तों कितनी कलरफुल है, देख सकते हो काफी कलरफुल दोस्तों जिप है। और फ्रंट में दोस्तों इस पेंसिल पाउच में ग्लिटर और लिक्विड भरा हुआ है काफी सारा। चलो जिप ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है इस पेंसिल पाउच में और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो इसे ओपन किया तो अंदर का इंटरफेस देख सकते हो कितना जबरदस्त है। एक दोस्तों पॉकेट मिल जाता है, एक नेट वाला पॉकेट मिल जाता है एक साइड। यहाँ देख सकते हो दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 6 दोस्तों पॉकेट और मिल जाता है जिसमें पेन पेंसिल को अच्छे से लॉक करके रख सकते हैं। इस वाले कंपार्टमेंट को हटाते हैं तो नीचे एक और कंपार्टमेंट है और यहाँ देखो दोस्तों हमें एक और पॉकेट मिल जाता है जिसमें दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाए। ये पेंसिल पाउच तो दोस्तों वाकई में काफी जबरदस्त है, काफी सारे दोस्तों पॉकेट मिल जाते हैं इस पेंसिल पाउच के अंदर। तो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देख सकते हो हमें मिलता है एक गिटार, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त गिटार है। और ये है एक इरेजर रखने वाला गिटार और इसमें मिलते हमें कई सारे इरेजर। इस गिटार में मिलता है टोटल हमें
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ कंपार्टमेंट मिलते हैं। नौ कंपार्टमेंट में अलग अलग इरेजर मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हो एक कंपार्टमेंट में हमें ये पर्स वाला इरेजर मिल जाता है, देख सकते हो एक कंपार्टमेंट में हमें पिकाचू वाला इरेजर मिल जाता है, ये देखो दोस्तों है ना काफी जबरदस्त। एक में दोस्तों हमें दिल वाला इरेजर मिल जाता है और एक में दोस्तों हमें केक वाला इरेजर मिल जाता है, ये देख सकते हो। दिल वाला इरेजर भी आपको ठीक से दिखा देता हूँ, देख सकते हो। और एक कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें डोरेमोन मिल जाता है और डोरेमोन तो पूरा टूटा हुआ, इसे जोड़ना पड़ेगा अच्छे से, देख सकते हो डोरेमोन वाला इरेजर मिल जाता है। और एक कंपार्टमेंट में देखो दोस्तों हमें आउल वाला इरेजर मिल जाता है और एक में दोस्तों पेपा पिग वाला इरेजर मिल जाता है और एक कंपार्टमेंट में देखो दोस्तों हमें हेलो किटी का इरेजर मिल जाता है और एक कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें एक रोज वाला इरेजर मिल जाता है। काफी जबरदस्त गिटार वाला सेट है, यानी इरेजर सेट है, काफी प्यारा है दोस्तों, मुझे काफी अच्छा लगा दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते एक आइसक्रीम वाली डायरी और इस डायरी में दोस्तों हमें तीन तरह के पेज मिलते, वो कैसे चलो दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो फ्रंट में हमें आइसक्रीम वाले पेजेस मिल जाते हैं काफी सारे और इन सारे पेजेस को हटाते हैं तो सेकंड पेज की क्वालिटी देख सकते हो और डिजाइन देख सकते हो काफी अलग है और थर्ड पेजों की डिजाइन देख सकते हो काफी जबरदस्त है, ये देख सकते हो। तीन तरह के पेजेस मिलते हैं, काफी सारे पेजेस मिल जाते हैं इस डायरी में, काफी सुंदर डायरी है, काफी प्यारी डायरी है। चल साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में दोस्तों हम मिलते हैं एक यूनिकॉर्न की बिल्कुल छोटी सी स्टेशनरी सेट, दोस्तों काफी प्यारा स्टेशनरी सेट है। चलो इतने छोटे से स्टेशनरी बॉक्स में देखते हैं हमें क्या क्या चीज मिलती है। सबसे अच्छी बात है इतने छोटे से स्टेशनरी बॉक्स को कैरी करने के लिए दोस्तों हमें एक हैंडल मिल जाता है जिसे काफी इजी से कैरी करके चल सकते हैं। चलो ढक्कन ओपन करते डालते सारे स्टेशनरी आइटम। तो ये देखो सबसे पहले इसके अंदर मिलते हमें यूनिकॉर्न की पेंसिल, ये देख सकते हो यूनिकॉर्न की पेंसिल मिल जाती है, गोल्ड वुडन पेंसिल मिल जाती है। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें मिलती है डायरी और ये डायरी नहीं है दोस्तों, ये एक ड्राइंग बुक मिल जाती है और एक मिलता है दोस्तों हमें शार्पनर और एक मिलता है एक इरेजर, ये देख सकते हो यूनिकॉर्न की इरेजर मिल जाती है और एक मिलता है हमें 15 सेंटीमीटर का रूलर, देख सकते हो। और क्या मिलता है इसके अंदर, इस छोटे से स्टेशनरी बॉक्स में दोस्तों हमें मिलता है ज्योमेट्री बॉक्स और ये काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है और इस ज्योमेट्री बॉक्स के पीछे दोस्तों हमें अल्फाबेट देखने को मिल जाते हैं, साथ ही दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाते हैं। चलो ढक्कन ओपन करते देखते कितना स्पेस है, ढक्कन ओपन किया तो यहाँ देख सकते हो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है पेंसिल पाउच यूनिकॉर्न का, ये भी काफी सुंदर पेंसिल पाउच है और इस पेंसिल पाउच में देख सकते हो काफी सारे सीक्वेंस लगे हैं और कलरफुल सीक्वेंस मिल जाते हैं, देख सकते हो ये तो काफी जबरदस्त है। इसमें हमें जिप मिलती है, जिप को ओपन करते देखते कितना स्पेस है, काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों, देख सकते हो काफी प्यारा पेंसिल पाउच है। चलो साइड रखते और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलती है एक कैप्टन अमेरिका की ज्योमेट्री बॉक्स, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी है और यहाँ देख सकते हो एक स्टीकर है जिसपे दोस्तों हम अपना नाम और क्लास लिख सकते हैं। फ्रंट में दोस्तों हमें एक दो दो बटन मिलते हैं, इन दोनों बटन का यूज देखते हैं। तो पहले बटन को दबाया तो शार्पनर ऊपर आ गया, अगेन दिखाता हूँ, पहले बटन दबाया शार्पनर ऊपर, सेकंड बटन को दबाया तो छोटा सा कंपार्टमेंट बाहर आ जाता है जिसमें गाइस हम अपनी इरेजर कुछ भी चीज रख सकते हैं। चलो ढक्कन ओपन करते देखते कितना स्पेस है, ढक्कन ओपन किया एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है और एक सेक्शन में हमें एक दो तीन चार पांच पांच पेंसिल लॉक मिल जाता है, साथ ही दोस्तों एक सेक्शन है और इस सेक्शन में दोस्तों हमें मार्कर मिला है, मार्कर मिल जाता है यानी इसके अंदर जरूर हमें व्हाइट बोर्ड भी मिलेगा, कहाँ व्हाइट बोर्ड मिलेगा चलो देखते हैं। पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो यहाँ देख सकते हो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छा है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ देख सकते हो लॉक है, इस लॉक को खींचा तो ये देखो दोस्तों इसमें से निकलता है व्हाइट बोर्ड और काफी जबरदस्त व्हाइट बोर्ड मिला है और इसके बॉर्डर पे देख सकते हो कैप्टन अमेरिका की फोटो छपी है और यहाँ देख सकते हो ब्लैक विडो की और हल्क की फोटो छपी है, काफी जबरदस्त है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो बॉक्स हो गया खाली, आज इस बॉक्स में हमें एक से बढ़ के एक स्टेशनरी आइटम मिली। मुझे तो दोस्तों सबसे अच्छा ट्रांसफॉर्मर का जो हमें बैग मिला था मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एक दोस्तों आइसक्रीम दोस्तों इरेजर मिली थी वो भी मुझे अच्छा लगा था और एक दोस्तों हमें इसमें मिला था एक मोबाइल फोन वाला इरेजर, ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इसके अंदर दोस्तों हमें एक BTS का पेन मिला था, ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपको क्या अच्छा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के साथ अच्छे से कलेक्शन के साथ अच्छे से अनबॉक्सिंग के साथ, जब तक बाय बाय दोस्तों।